गेमर आज हम देखने वाले हैं इस टकले की फुल स्टोरी, कैसे इसे मिला ये मैजिकल फोन, ये काम पुअर इंसान से कैसे बना पावरफुल। गेमर्स, जब ये पैदा हुआ ना इसकी मॉम की डेथ हो गई और अभी ये अपने पापा के साथ रहता है इस हाउस में और इसके पापा कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं, जेसीबी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और भी काफी सारा मेहनत का काम करते हैं ताकि इसकी लाइफ अच्छी गुजरे। लेकिन गेमर्स ये ना आज भी स्कूल से भागने की तैयारी कर रहा है। आज मैं फिर से स्कूल की वर्ल्ड टॉप के भाग जाऊंगा। ये ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लेकिन मार काफी अच्छी है। तो गेमर इस आदमी को देखो, ये वही आदमी है जिसने मैजिकल फोन बनाया है जिसमें हम चीट कोड डालते हैं लेकिन इसके पास अभी नहीं है वो फोन। लेकिन वो देखो स्काई से कुछ गिर रहा है, ये शायद एक मीटियर है। गेमर ये स्काई वेट कर रहा था, इससे ये कुछ बनाने वाला है शायद। ये देखो ये कैसे चमक रहा है, लगता है इसके हाथों में कोई खजाना आने वाला है। तो गेमर ये स्कूल से तो भाग लिया लेकिन अब घर नहीं जा रहा, स्कूल में ये फोन लेके गया था, अभी ये यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। अब ना ये घर तब जाएगा जब इसकी छुट्टी का टाइम हो जाएगा, अभी तो 3-4 रास्ते रहते हैं। तो गेमर अभी ना ये 19 ईयर का हो चुका है और ये ना स्कूल से निकल गया, इसने पढ़ाई नहीं करी, इसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल से ड्रॉप आउट करके ये अभी गेम्स खेल रहा है, ये शायद फ्री फायर है। ओ ये तो हैकर है, इसे किल कर रहा है। ग्लोबल रैंकिंग में नंबर वन आने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मुझे नंबर वन आना है। ये कैसा बंदा है, ये फोन वाली गेम पीसी पर खेल रहा है वो भी हैक करके। तो गेमर और इस साइंटिस्ट ने ना वो फोन बना लिया जो ये बनाना चाहता था, इससे ना ये कोई भी इंसान, कार, बाइक, डायनासोर और भी काफी ज्यादा चीजें फोन कर सकता था। मतलब इसने बटन दबाया और वो चीजें आ गई। गेमर्स अभी तो ये फोन इसके पास है, ये देखने में मजा आएगा, इससे मिलता है ये उस टकले को। लेकिन अभी नहीं, ये टकला अपने डॉग के साथ जा रहा है कहीं पर। ओ कालू कालू इधर आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा, काफी साल हो गए तुम मेरे साथ हो, जब तुम इतने से थे तब मैंने तुम्हें पाला था। ओए ये क्या क्या मेरे कालू के साथ, मेरा कुत्ता, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे डॉग का इसने एक्सीडेंट कर दिया। सॉरी सर गलती हो गई, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना, जल्दी से पैसे निकालो अभी मैं तुम पर केस करूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना किया, इसे काम चल जाएगा, निकालो। और किया और लगा रखा है, ये लास्ट 500 रुपए है। अच्छा अच्छा ठीक है। गेमर इसका डॉग जख्मी हो गया, ये उसे नहीं उठा रहा, ये पैसे ले रहा है। वो बस एक डॉग ही था, ऐसे कुत्ते तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे और मैंने उसे ही थोड़ी पाला था, मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं। गेमर्स उस टकले के फादर ने ना ये बोट लिए रेंट पर, ये ऐसा ना मंथली बेसिस पर करते हैं। लेकिन आज इनकी किस्मत अच्छी नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वैसे अभी ये काफी ज्यादा परेशान है उस टकले को लेकर, वो कुछ भी नहीं करता, सारा दिन फ्री फायर खेलता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है और सो जाता है। और ओ ये क्या हो रहा है गेमर, लगता है आज का मौसम अच्छा नहीं, आज मैं फालतू में कर आ गया बोट। ओए अबे 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 गेमर्स ये ना काफी तेजी से पानी में गिरे, ये अभी बेहोश हो गए और वो भी पानी में, इनके पास ना कुछ ही टाइम है। और इस टकले को देखो, ये अभी ट्रेन का वेट कर रहा है। आज मैं पटरी पर साइकिल चलाऊंगा, ट्रेन से रेस लगाऊंगा, मेरी ट्रेन आ रही है, आज रेस हो जाए, देखे कौन ज्यादा फास्ट है। गेमर्स इससे आपको पता लग रहा होगा ये कितना बेवकूफ है, ट्रेन से रेस लगाएगा, लगता है इसे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता, अभी तक तो उनकी डेथ हो गई होगी। वो भगा रहा है, तेज आ रहा है ये साइकिल, तो लगता है ये ट्रेन से आगे चला जाएगा। नहीं नहीं मैं गलत था शायद, ट्रेन अभी आगे जा रही है, ये काफी ज्यादा पीछे आता जा रहा है। ओ आज ही मैं हार गया। तो गेमर्स 3-4 दिन हो गए, अभी से पता लगा अपने फादर का, इसने उनको काफी परेशान करके रखा था, अभी ये टकला पता नहीं क्या करेगा। वैसे गेमर्स आगे जाकर ना इसकी किस्मत चमकने वाली है, इसे वो मैजिकल फोन मिलने वाला है। लेकिन अभी की बात करे तो इसके पैसे भी खत्म होने वाले हैं, अभी ये क्या करेगा, क्या खाएगा ये। और वैसे इस साइंटिस्ट की बात करे ना, ये अपने फोन से मजे कर रहा है, कार्स मंगवा रहा है, बाइक्स मंगवा रहा है और उन्हें बेचकर पैसे भी कमा रहा है, चला रहा भी है, ये तो काफी मजे हैं। जो भी है वैसे इसने अपनी मेहनत की, अपना फोन बनाया है। लेकिन अभी ना ये टकला कुछ करने की सोच रहा है, मेरे पास जितने पैसे थे ये गन ले लिए, अभी मैं इस गन से पैसे कमाऊंगा, इसको देखकर कौन पैसे नहीं देगा, तो पैसे दो मुझे, तुम्हें मैं गोली मारूंगा। ओए ये क्या किया इसने, ये कैसा चोर है, ये तो डर कर भाग रहा है। लेकिन पुलिस इसे नहीं छोड़ेगी, 3-स्टार पुलिस है। ओ ऐसा ही हुआ, इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
हाँ तो गेमर से ना 7 इयर्स की सजा मिली है। गेमर पूरे 7 इयर्स की सेंटेंस के बाद ये थोड़ा शायद सुधर चुका है, अभी नहीं ये मेहनत मजदूरी करने की सोच रहा है। वैसे अभी देरी नहीं है, इसकी किस्मत बदलने वाली है। अभी से बस एक नई सिटी में जाना है जो कि ये जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर काम करना नहीं चाहता। एंग्जाइटी होती है, यहाँ पर परेशान हो जाता है ये यहाँ पर। अभी ये जा रहा है ट्रेन से एक नए शहर, यहाँ पर शायद इसकी किस्मत बदल सकती है। तो नई सिटी में मैं पहुंच गया, यहाँ पर मुझे मेहनत से काम करना है। गेमर सी ये ना यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगता है और ये थोड़े बहुत पैसे कमाने भी लगता है, लेकिन अच्छे पैसे ये नहीं कमा रहा था। एक दिन ना गेमर ये इस आदमी को देख लेता है। ये क्या कर रहा है, ये बाइक कैसे आ गई, क्या मैजिक है इसके पास, इसके हाथ में कुछ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। गेमर सी ये फोन ना इसको ही नजर आता है, इसके हाथ में होता है, किसी और को शायद ये नजर ही नहीं आता, ऐसा ही बना हुआ है ये। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा, मैं इसे बात करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर बात करूंगा तो ये कुछ नहीं बताएगा। तो गेमर्स अभी ना ये चीज इसके दिमाग में फिट हो गई है, ऐसे भी करके उसे ये मैजिकल चीज चाहिए। ये ना थोड़ा बहुत काम करता रहता है और ये ना उस बंदे पर नजर भी रखता है। इसे करते करते ना ये उसके घर पर पहुंच जाता है। हाँ तो ये रहा वो आदमी, यही है इसका घर। जहाँ पर इसका घर है वहाँ पर किसी का भी घर नहीं। इसका जो फोन है वो मुझे चाहिए। गेमर्स अभी से पता चल गया है जो मैजिकल चीज है ना इसके पास वो इसका फोन है। वैसे उसे ये ऐसे पता ओ अच्छा, ये मिरर मुझे बता रहा है इसके पास एक फोन है लेकिन इसके हाथों में नहीं है। काफी देर हो गई है, वो अपने घर से बाहर नहीं आया। अभी मैं उसके घर में घुस जाता हूँ और वो फोन ले लेता हूँ। गेमर्स इसकी ना किस्मत काफी अच्छी थी, वो आदमी ना अभी सो रहा था, काफी अच्छी नींद में था वो आदमी। ये उसके घर में जाता है, उसके टेबल से फोन उठाता है और भागता नहीं है, क्योंकि इसे शक हो रहा था अगर ये आदमी उठ गया तो ये कैसे भी करके इसे ढूंढ लेगा, क्योंकि ये काफी तेज आदमी है। इसलिए उसने ऐसा काम किया, उसके घर से ना उसे एक वायर मिली, उसने उसके बेड के सामने उसे रख दिया और वायर के दूसरे पार्ट को लगा दिया बोर्ड में। अभी तो वो साइंटिस्ट थोड़ा दूर सो रहा है, लेकिन अब इसके पास ये फोन आ चुका है, ये बटन दबा रहा है, जैसे दब रहे हैं। इसे कुछ भी नहीं पता, कोई कोड ही नहीं पता। वैसे अभी लग रहा है मुझे ये साइंटिस्ट उठने वाला है। अबे ये क्या हो गया? वो साइंटिस्ट नहीं रहा, वो टकलाना लकी था, सब कुछ सही होते गया और कई दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इसका घर काफी दूर था। लेकिन इसकी ना लाइफ चेंज हो चुकी है, इसने नया हाउस बाय कर लिया है, काफी सारी कार्स हैं इसके पास, डायनासोर्स, डॉग, ये कुछ भी मंगवा लेता है। ये ऐसे ही ना कोड्स डायल करता रहता था, कभी कोई काम कर जाता था और कोई नई चीज अनलॉक हो जाती थी। हाँ गेमर, इस फोन में ना काफी सारे कोड्स हैं, साइंटिस्ट ने ना इसमें काफी सारी चीजें लॉक करके रखी हैं जो कि ये अनलॉक कर सकता है, लेकिन इसे इतना नहीं पता कैसे अनलॉक करते हैं। कभी कभी ना ये कोई नई चीज इसमें मंगवा लेता है और कुछ दिनों के बाद ये ना उसकी सेटिंग खराब कर देता है, बाद वो चीज कभी वापस नहीं आती, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, वेगनार हो, लेकिन ऐसे ही करते करते ना इसने काफी ज्यादा न्यू चीजें अनलॉक कर ली हैं, चाहे वो डायनासोर हो, आरजीएस टूल हो। तो गेमर्स ये ना थ्योरी नंबर 1 के अलावा ना मेरे पास एक और थ्योरी है। तो मुझे लगता है ना ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में, ये इस गेम के वर्ल्ड में नहीं है। ये जो भी कुछ कर रहा है ये इसका कोमा का ड्रीम है, इसके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई होगी जिसकी वजह से ये कोमा में चला गया और अभी ये एक ड्रीम देख रहा है जिसमें इसके पास एक मैजिकल फोन है जिससे ये ज़ॉम्बी, डायनासोर ऐसी चीजें मंगवा सकता है जो कि रियल वर्ल्ड में तो नहीं होती लेकिन मूवीज में होती है। मुझे लगता है ये जो भी बंदा है ये कोमा में गया है और इसने जो मूवीज में देखा है वो अपने ड्रीम में देख रहा है और इसे अपनी फैमिली याद नहीं, इसलिए इस गेम में हमें इसकी फैमिली नहीं मिलती, ये सिर्फ अकेला ही घूमता रहता है। तो गेमर साहब मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा कन्विंसिंग लगी, थ्योरी नंबर 1 मतलब उस साइंटिस्ट वाली या फिर थ्योरी नंबर 2 ये सब इसका ड्रीम है ये कोमा में। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी थ्योरी आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।